देहरादून से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है इस बैठक के जरिए पलायन प्रभावित क्षेत्रों को दिया जाए विशेष ध्यान, वहां पर विशेष ध्यान देने की जरूरत, जहां से पलायन हो चुका है या हो रहा है बड़ी तेजी से, क्षेत्र के विकास को लेकर चलाया जाए कार्यक्रम। पंकज पवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बैठक ली है, उसमें साफ तौर पर जो मनरेगा है उसके तहत किस तरीके से काम किया जाए और पलायन वाले जो क्षेत्र है उसमें जो उसमें प्राथमिकता देने की बात कही है, वहां पर पलायन मनरेगा के तहत ज्यादा काम कराने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से मनरेगा को लेकर काम हुए हैं, अभी तक 10 पुरस्कार राज्य को मिल चुके हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें अपना जो मनरेगा के तहत जो काम है उसको और तेजी से आगे बढ़ाना है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने जो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए ट्रेंच बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जंगल और उसके निकटवर्ती गांव हैं उसके बीच में ट्रेंच बनाए जाएं, जिससे जानवर जो हैं वो गांव की तरफ ना आ सकें, और ऐसे कई काम जो है वो मनरेगा के तहत मुख्यमंत्री ने कराने के लिए के निर्देश दिए हैं। आज जो राज्य रोजगार गारंटी परिषद की आज बैठक थी, उसमें मुख्यमंत्री ने इन तमाम चीजों पर चर्चा की है। जी, पलायन प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए, किस तरह का रोड मैप बनाया जा रहा है, जहां पलायन हुआ है जो प्रभावित क्षेत्र हैं पलायन को लेकर? अब बिल्कुल, जिस तरीके से कोशिश यही है कि मनरेगा के तहत वहां पे अगर रोजगार, ज्यादातर लोग रोजगार के लिए ही पलायन कर रहे हैं, तो सरकार की कोशिश यह है कि मनरेगा तहत के तहत ही सही इन जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे जितने लोग बचे हैं उनको वहीं पे उनके घर के पास ही अगर रोजगार मिल जाए, चाहे मनरेगा के तहत ही मिले, उसके तहत सरकार की कोशिश ये है कि अब राज्य की जो प्रचलित मजदूरी दर है उसको उसको और थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इसको तय करने के लिए भारत सरकार को भी प्रस्ताव भेजने की सरकार की मंशा है। तो ऐसे में कुल कोशिश यही है कि चाहे पलायन वाले क्षेत्र हों या फिर अन्य क्षेत्र हों, वहां पर भी मनरेगा को कैसे लोगों के लिए रोजगार के लिए उपयोगी बनाया जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया अधिकारियों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए।